नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको वशीकरण से जुड़ी एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं, जिसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज से पहले आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी। मित्रों, वशीकरण अपने आप में ही एक ऐसा नाम है जिसे देखकर अच्छे अच्छों के मुँह में पानी आ जाता है, विशेषकर उन लोगों के जिनको सच में किसी को वश में करना है। मित्रों, वशीकरण करने के पीछे कारण कुछ भी हो, किंतु वशीकरण अपने आप में कितना सम्मोहन शक्ति वाला नाम है, जिसके पीछे हर एक उम्र के व्यक्ति इस नाम को सुनते ही सम्मोहित हो जाते हैं। मित्रों, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मात्र 2 मिनट में मैं आपको एक ऐसा वशीकरण मंत्र देने जा रहा हूं, जिस मंत्र से आप जिसे चाहेंगे उसे वश में कर लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वशीकरण है क्या। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, वशीकरण है सिर्फ धोखा, जिसका लालच देकर आपकी जेब से लाखों हजारों रुपए ठग लिए जाते हैं। मित्रों, मेरे पास दिन में जितने भी कॉल आते हैं, उसमें से 30% की संख्या में सिर्फ लोगों के यही प्रश्न होते हैं, गुरुजी क्या आप वशीकरण करते हैं, मुझे भी कराना है। या फिर वह व्यक्ति होते हैं कि हमने वशीकरण के लिए अमुक व्यक्ति को इतने पैसे दिए थे, किंतु हमारा कार्य नहीं हुआ। और मजे की बात देखिए कि उसका कार्य नहीं हुआ, उसके पश्चात भी वह एक और ट्राई मारना चाहता है कि गुरुजी मैंने आपके वीडियो देखे, बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे लगा कि आप भी वशीकरण करते होंगे और आपके द्वारा किए गए वशीकरण का तो काम हो ही जाएगा। और मेरे मन में सिर्फ एक ही बात आती है कि क्यों आप इस बात को सिद्ध करने में लग रहे हो कि भारत के अंदर बेवकूफों की कमी नहीं है, आवश्यकता है तो सिर्फ बनाने वालों की। मुझे सुनकर ताज्जुब होता है कि इतने अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर काम कर रहे हैं, वह वशीकरण के नाम के ऊपर लाखों हजारों रुपये ठगवा लेते हैं। तो मित्रों, यहां मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि वशीकरण के द्वारा आपका काम तो कभी जिंदगी के अंदर नहीं होगा, किंतु ऐसी गलतियां कर आप उन पाखंडियों को बढ़ावा दे रहे हैं जो देश का नाश करने में लगे हुए हैं, ज्योतिष विद्या के ऊपर से लोगों का विश्वास उठवा रहे हैं। मित्रों, ऐसे गलत व्यक्तियों को आप स्वयं बढ़ावा दे रहे हैं और उसके पश्चात आप कहते हैं कि ज्योतिष गलत है या फिर सभी ज्योतिषी गलत हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ना तो ज्योतिष गलत है ना सभी ज्योतिषी गलत हैं, गलत है सिर्फ आपका निर्णय। जी हाँ, यदि आपको सही गलत की पहचान करना नहीं आती और आप किसी गलत व्यक्ति के हाथ के अंदर फंस जाते हैं, तो काम तो आपका होना नहीं, किंतु पैसे की बर्बादी तो आप अवश्य कर कराएंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि आपको जागरूक करना कि वशीकरण कुछ होता ही नहीं है, और वशीकरण होता भी है तो सिर्फ इतना होता है कि आपकी जेब से पैसे निकलते हैं और सामने वाले पाखंडी के झोले में चले जाते हैं, इसके अलावा कोई वशीकरण नहीं होता। मित्रों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये आकर्षक थंबनेल बना बनाकर जो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, इनके चंगुल में बिल्कुल भी ना पड़े। ये इतने अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते हैं कि खोया पाया प्यार पालो, अपना प्यार को कैसे प्राप्त कर लो, ये वो पता नहीं क्या क्या, और आप इन्हें देखकर इनके चंगुल में फंस जाते हैं और कुछ तो हाथ नहीं लगता, किंतु जेब से लाखों हजारों रुपए जरूर ठंडे हो जाते हैं। मित्रों, यहां मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि यदि किसी को सच में वश में करना है तो सामने वाले को सच्चे प्यार से, सच्चे हृदय से, सच्ची भावनाओं से इंप्रेस करें, स्वयं को इतना योग्य बनाए कि सामने वाला स्वयं आपके वशीभूत हो जाए। और जब इन गुणों से आप किसी को वशीभूत करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है, जबकि आज के समय में देखा जाए तो इसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। लोग गलत तरीके से हर चीज को पाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सर्वथा शास्त्रों के विपरीत बताया गया है। मित्रों, आपको याद होगा, शबरी ने सच्ची प्रेम की हृदय भावना से श्री राम को झूठे वेर खिलाकर उनको वश में कर लिया था, और श्री राम शबरी के वशीभूत इतने अधिक मात्रा में हो गए कि उनको यह तक नहीं कह पाए कि आप मुझे झूठे वेर खिला रहे हैं। तो अगर किसी को वश में करना है तो सच्चे प्रेम से कीजिए, सच्चे हृदय भावना से कीजिए। इस चीज को जानने का प्रयास कीजिए कि जिसको मैं वश में करना चाहता हूं उसे क्या पसंद है, और यदि आप वह कार्य करते हैं जो उन्हें प्रसन्नता प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप में वह सामने वाला व्यक्ति आपके वश में होकर ही रहेगा। किंतु गलत प्रयोग करने से न सामने वाला आपके वश में होगा, न आपका कोई अन्य कार्य बनेगा, बस पैसों की बर्बादी अवश्य होगी। और अंततः आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो वशीकरण के नाम के ऊपर आपको पागल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इन पाखंडियों से बिल्कुल दूर रहें। साथ ही आप लोगों से यह भी निवेदन करूंगा कि भूलकर भी मुझे वशीकरण के नाम पर कॉल ना करें। इस शब्द को सुनकर ही मुझे बहुत बुरा लगता है और फिर मुझे आपको समझाने के अंदर बहुत अधिक समय लग जाता है, जो कि मेरे पास परिपूर्ण मात्रा में होता नहीं है। इसलिए आप सभी से यही निवेदन है कि स्वयं के विवेक का प्रयोग करें। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल ऐसी एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।